छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सबसे ज्यादा वर्मी कंपोस्ट को उपयोग करने वाले किसानों को राज्य उत्सव के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि किसानों की खुशहाली राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने निवास कार्यालय में राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 1750 करोड़ रुपए अंतरित किए गए। प्रदेश की यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में 3 मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। ओपन एडमिशन भी हो गए हैं, इसके बाद भी सीट नहीं भरी है। अभी भी प्रदेश की 6 यूनिवर्सिटी की 170,352 सीटों में से 93,885 सीट खाली है। 76,467 छात्रों ने ही प्रवेश लिया है। इसे देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से प्रवेश की तारीख बढ़ा दी है। अब यूनिवर्सिटी व कॉलेजों में प्राचार्य की अनुमति से 10 सितंबर और कुल सचिव की विशेष अनुमति से 20 सितंबर तक प्रवेश होगा। नई शिक्षा नीति में पीएचडी के लिए पीजी की अनिवार्यता हुई समाप्त। महाविद्यालय में अब नई शिक्षा नीति के तहत 3 वर्ष की पढ़ाई के बाद छात्रों को पीएचडी करने का मौका मिल सकेगा। साथ ही प्रथम वर्ष की पढ़ाई के बाद छात्र बीएड, आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। दूसरे वर्ष से नियमित छात्र के रूप में भी अध्ययन कर सकेंगे।